गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले आरआरसी ग्रुप डी 2019 का हम डेटा देखने वाले हैं और फाइनली हम डेटा देखने वाले हैं पूरा का पूरा, जो सारे जोन्स में लास्ट जो है। देखिए, मेरे पास लास्ट मतलब 16:40 तक का डेटा है, जिसका टाइम था 17 बजे तक का, 5 बजे तक का, और हमारे पास 4:30 से बाद का भी डेटा हमारे पास है। और फ्रेंड्स देखिए, लगभग लगभग सभी जोन का डेटा है। और जो न्यूज़ का मैं वेट कर रहा था, देखिए मैं सबसे पहले वीडियो डाल सकता था लेकिन मैंने नहीं डाली। सुबह 6 बजे, 5 बजे, जितने बजे भी डाल सकता था लेकिन नहीं डाली। क्यों? उसका कारण था, मैं वेट कर रहा था आज ऐसा कुछ ना कुछ न्यूज़ आए, ऐसा कुछ आए जिससे आपको डेटा और आपका जो पर सीट है, कितना कंपटीशन है, वो सारी चीज़ें पता चले। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक, इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पर सीट पर कितना कॉम्पिटिशन हो गया है इन दी एंड, जिससे क्या है अपनी प्रिपरेशन आप किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फ्रेंड, ये नोटिफिकेशन तो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आप अपना स्टडी भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। जीके जीएस मैथ रीजनिंग की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फ्री स्टडी किसी भी प्लेलिस्ट पर जाकर देखिएगा, या प्लेलिस्ट पर जाकर देखिएगा, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है जो डेफिनेटली हेल्प करेंगी। देखिए, सुबह 7:15 पर मैथ, 9:15 पर आपको मिलेगा जीके जीएस, उसके बाद 2 बजे मिलेगा एडवांस। ठीक है, एडवांस ये मिलेगा आपको संडे को, सैटरडे को नहीं मिलेगा। एडवांस संडे सैटरडे को क्या मिलेगा 2 बजे, वो मिलेगा आपको रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा क्या 10:30 डेली। ओके, संडे हो सकता है मे बी छूट जाए, लेकिन संडे को क्योंकि संडे को एक वीकली करंट अफेयर की वीडियो की या मंथली हम लेंगे, जिसमें आपको पूरा का पूरा रिविजन कराया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस 10:30 और आपका करंट अफेयर होगा। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि ये पूरा शेड्यूल याद कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे क्या है आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑनलाइन फ्री स्टडी, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर का हम डेटा देखने वाले हैं, वो देखेंगे हम 11:27 तक का। यहाँ पर बता देता हूँ आपको कोड, देखिए 1112 यहाँ पर कोड है। ओके, फॉर्म ब्लर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा देता हूँ 573294, यानी कि 573294 फॉर्म भर चुके थे। ठीक है, इतने फॉर्म भर चुके थे 573294 फॉर्म भर गए थे जब तक ये डेटा मेरे पास आया था। डेफिनेटली बता दूँ फ्रेंड, ये लास्ट का ही डेटा है जो कि आपको मिल रहा है, क्योंकि इन दी एंड तक आते आते बहुत स्लो हो गया था, क्योंकि सब लगभग लगभग लोगों का जो डेट फॉर्म था वो भर चुका था। ठीक है, देखिए अगला मैं आपको पुराना डेटा दिखा रहा हूँ, उसके बाद नया डेटा दिखाऊंगा वेस्टर्न रेलवे का। क्यों? क्योंकि सुबह का मैं डेटा बता रहा हूँ, उसके बाद जो आपको लास्ट टाइम उसका दिखाऊंगा, सुबह का था 931,065। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अब डायरेक्टली जो आया था हमारे पास लास्ट में, वो आया था 990,243। ठीक है, बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ पर आ चुका था उस टाइम। ठीक है, कितना आ चुका था यहाँ पर, 00 लग गया, 990,243 यहाँ पर फॉर्म भरे थे। बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ पर एकदम से आ गया था, जो कि मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने भी इसमें फॉर्म भरा है। ओके, वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, यहाँ पर हमने कम से कम 5 से 6 फॉर्म भरे हैं मैंने ही। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा इसमें ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इन दी एंड इसमें ज़्यादा हो ही गया। ओके, अगला देखेंगे, देखिए आपको स्क्रीन शॉट दिख रहा है, ये 9:15 की वीडियो है जो कि आने वाली है अभी कुछ ही देर में, आप देखिएगा इसे रूल। भुवनेश्वर देखेंगे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, और ये देखिए 11:41 मिनट का ये टाइमिंग दिखा रहा है, और यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ कितना फॉर्म डल चुका था जब लास्ट अपडेट हमारे पास आई। ओके, 318,225, यानी कि 318,225 जो है फॉर्म डल चुके थे जब ये अपडेट आई है। कितने? 318,225 फॉर्म डल चुके थे। मैं आपको टेबल वगैरह भी दिखाने वाला हूँ, जिससे क्या प्रूव हो जाएगा कि आपको और आपको कितनी जो है प्रिपरेशन करनी है। अब देखने वाले ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, 2 जून है, ईस्टर्न और साउथर्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर 114 का यहाँ पर कोड है और यहाँ पर भरा हुआ है। देखिए मैं बता दूँ, कल जो है मॉर्निंग में 1,00,000 के समथिंग यहाँ पर फॉर्म थे, 1,00,000 से कम ही थे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्टली 11,64,356 फॉर्म भर गए इन दी एंड।
फ्रेंड्स 1 लाख से 1.5 लाख के समथिंग समथिंग फॉर्म भरे हैं, बहुत बड़ी बात है, 1.5 लाख के समथिंग फॉर्म भरे जा चुके हैं यहाँ पर एकदम से ही, ठीक है। तो ये जो लास्ट टाइम था कोलकाता में, वो बहुत सारा फॉर्म फिलिंग हुआ है, सभी को लग रहा है। और एक आपको वीडियो का स्क्रीनशॉट दिख रहा है, देखिए मैं स्क्रीनशॉट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पढ़ें भी ऑनलाइन फ्री स्टडी के साथ में, एक बार मैथ की क्लास लेकर देखें फ्रेंड, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। दूसरी क्लासों में इतना जो हम 1 घंटा 1.5 घंटा की वीडियो नहीं बनाते हैं, 20 मिनट 25 मिनट मैक्सिमम, और उसमें ही हम पूरा सोल्यूशन कराते हैं, ठीक है। ज़्यादा जो है हम घुमाते नहीं हैं, सिर्फ आपको पढ़ाने का काम वहाँ पर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि आप जाकर वीडियो अटेंड कीजिएगा। अगला देखेंगे हम जो कि दिख रहा है आपको इलाहाबाद, और इलाहाबाद का जो देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ 11:17 का यहाँ पर आपको डेटा दिखा रहा हूँ, और ये जो है देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना था 9 लाख। उसके बाद मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है जूम कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, इसको जूम कर लेते हैं। 9 लाख के बाद कितना था 9,09,735, ठीक है। तो फ्रेंड ये डेटा है ओरिजिनल, ठीक है, किसका, जो आपको इलाहाबाद का, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा, तो ये इतना डेटा जो है वहाँ पर हो चुका था, ठीक है। और फ्रेंड बता दूँ मैं आपको, ये जो डेटा है वो आपको रिसेंटली है, मतलब लास्ट वाला है। आगे देखने वाले हैं हम गोरखपुर, गोरखपुर में 1:43 यानी कि जहाँ पर सॉरी 11:30 का डेटा है, 11:30 का डेटा है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये लास्ट डेटा है, ओके लास्ट डेटा है। देखिए यहाँ पर 6,20,324 फॉर्म भर गए थे, 6,20,324 फॉर्म भर गए थे इन दी एंड। और फ्रेंड ये जो डेटा है वो आपको देखिए क्या दिलाएगा, सबसे पहली बात आपको कॉम्पिटिशन समझ में आएगा कितना है, आपको कितने लोगों को वहाँ पर हराना है, ठीक है, और आपको एक्चुअल में डेटा वहाँ पर मिलने वाला है। नॉर्दर्न रेलवे जिसका जो सेंट्रल है, जिसका जो जोन है वो है न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में फॉर्म भरे थे, देखिए फॉर्म का मैं बता दूँ यहाँ पर, देखिए 127 सभी को पता है, ठीक है। इसके बाद सभी को ये पता था कि इसमें 18,19,00,000 फॉर्म भरेंगे, लेकिन एग्जैक्टली कितने भरे, 1,317, ठीक है, 1,317 फॉर्म भर चुके थे इन दी एंड। और मेरा मानना है कि फ्रेंड्स ये जो जोन रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ 80 का कट ऑफ रहेगा, 80-82 हो सकता है जनरल का, ठीक है। और भी कई ऐसे जोन है यहाँ पर जा सकता है, क्योंकि ये हाईएस्ट यहाँ पर एजुकेशन है और लोग बाग वहाँ पर पढ़ने जाते हैं दिल्ली में, ओके, तो वहाँ पर ही फॉर्म भरते हैं मैगजीम में, क्योंकि सेंटर भी वहीं पे पढ़ना है। देखिए यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जबलपुर को हम देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है आपको डेटा, और देखा 11:20 का है, जो कि इसका कोड था 119 और 960871, यानी कि 9,60,871 फॉर्म भर चुके थे जब लास्ट जो अपडेट आई है। ये लास्ट अपडेट है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी से कि आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों को बताइएगा, अगर आपको डेटा चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं। सिकंदराबाद देखने वाले हैं हम, सिकंदराबाद में 11:32 पर जो फॉर्म भरे गए यहाँ पर देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ 120 यहाँ के इसका कोड है 947337, यानी कि 9,47,337 फॉर्म लास्ट में भर चुके थे जब ये अपडेट हमारे पास आई, ओके। अगला देखेंगे इसके बाद का जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप देखेंगे कोलकाता जो कि साउथ ईस्टर्न जो रेलवे है उसका डेटा देखने वाले हैं। अगला देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 122, क्या दिख रहा है 122 दिखाई दे रहा है, और इसमें 493096 ये लगभग सेफ जोन में रहा है अभी तक का, और लास्ट में 4,93,096 फॉर्म भरे हैं, ठीक है, ओके। लेकिन वैकेंसीज कम थी इसलिए पर सीट पर जो है जो स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर लगभग ज़्यादा ही है। हुबली देखेंगे, साउथ वेस्टर्न रेलवे जो जोन है, ओके, हुबली में 11:36 का जो डेटा है वो दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर 6,72,878 फॉर्म भरे इन दी एंड, ठीक है, कितना 6,72,878, और ये डेटा आपको देखिए रिसेंट है, और आप वहाँ पर मैच करके देख सकते हैं, कोई आपका स्टूडेंट, आपका दोस्त हो, कोई आपका फ्रेंड हो। चेन्नई देखने वाले, साउथ ईस्टर्न रेलवे जो उसका जोन है, और 11:24 का डेटा है,
ओके अब यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या है, देखिए 903064 जो कि बहुत बड़ा डेटा हो चुका था इसके हिसाब से, जो चेन्नई के हिसाब से, क्योंकि 4 या 5 लाख फॉर्म थे 2-3 दिन पहले। और फ्रेंड्स रिसेंटली इतना ज़्यादा डेटा बढ़ गया कोई सोच नहीं सकता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा बढ़ चुका है यहाँ पर। और फ्रेंड्स इतना ज़्यादा डेटा नहीं होना चाहिए था। बिलासपुर का देखने वाले हैं तो बिलासपुर में देख लीजिए, बिलासपुर में जो आज का रेल है को ईस्ट, तो देखिए साउथ ईस्ट रेल सेंट्रल रेलवे का जो जोन है कितने बज के 11:44 पर, ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो डेटा है वो दिखा देता हूँ आपको, देखिए कितना है, पहले इसको हम जूम कर लेते हैं क्योंकि सही मुझे नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, ये 120121 इसका कोड, उसके बाद 283003, ठीक है, तो यानी कि 283003 फॉर्म भरे हैं जो लास्ट अपडेट थी हमारे पास उसके अकॉर्डिंग, ओके। इसके बाद देखने वाले हम गुवाहाटी का, तो गुवाहाटी में 11:43 पर फॉर्म भरे गए हैं 352670 फॉर्म भरे गए, ओके, इतने फॉर्म भरे गए हैं। और आपको मैं टेबल दिखाने वाला हूं जिसमें आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा, सही सही अंदाज़ा लग जाएगा कि आप जो कितना कंपटीशन रहेगा, ओके। जबलपुर का दिखाने वाला हूं, तो जबलपुर के मेरे पास 2 स्क्रीनशॉट हैं और 2 स्क्रीनशॉट हैं में मात्र 5 से 10 मिनट का ही फ़र्क है, ओके। पहले का थोड़ा सा पहले का जो था 5,30,813 है, और यहाँ पर सॉरी हाँ 10 मिनट पहले का, देखिए लास्ट का क्या है यहाँ था, ठीक है, 5 लाख कितना था 30,813, ठीक है। अब यहाँ पर मात्र ये जो फॉर्म है थोड़ा, मतलब ये फॉर्म लास्ट में भरा गया मात्र 10 मिनट पहले का है, उसके 10 मिनट के मतलब 10 मिनट के बाद का जो डेटा है, मतलब कि ये पहले भरा गया था, ये वाला फॉर्म पहले भरा गया, वो वाला फॉर्म बाद में भरा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना था 5,30,492, जो है 400 से लेकर 500 तक का जो है डिफरेंस आया है मात्र 10 से 10 मिनट, मैक्सिमम बोलूँगा 10 मिनट का। फ्रेंड इतने फॉर्म भरे हैं 10 मिनट में, 500 की रेट से फॉर्म भर रहे थे। फ्रेंड आप सोच सकते हैं कि कितने फॉर्म स्पीड से भरे जा रहे होंगे। तो अब आपकी स्क्रीन पर दिख रही है टोटल फॉर्म फिल्ड हुए हैं कितने, जोन दिखाऊँगा, जोन है यहाँ पर, ओके, इसको चेंज कर लेते हैं, फॉर्म टोटल कितने डाले हैं, वैकेंसी कितनी है, पर सीट पर कितने हैं। न्यू दिल्ली सभी को पता है फॉर्म 19,317 वैकेंसी पता है, और यहां पर सीट पर जो कंपटीशन है वो 144 है, और आपको लगभग 143 स्टूडेंट को डिफीट करना होगा न्यू दिल्ली में, ओके। ईस्टर्न कोलकाता की बात करें तो यहां पर जो है वैकेंसी भी पता है, फॉर्म जो है पता है, 11,64,356 भरे हैं, और 107 स्टूडेंट को आपको, यानी कि 106 स्टूडेंट को आपको हराना होगा, तब जाकर आप अपनी सीट फिर कंफर्म करवाएंगे। उसके बाद वेस्टर्न रेलवे है, उसमें देखिए वैकेंसी पता है, फॉर्म जो है हमें 9,90,243 भर चुके थे, लगभग आपको 92.25 यानी कि 91 स्टूडेंट को हराना होगा, इतना आपको करना होगा, देन आप फर्स्ट उसके लिए हो जाओगे तैयार, ओके। इसके बाद हम देखने वाले क्या बचा हमारा, सिकंदराबाद में देखिए यहाँ पर फॉर्म भर चुके हैं 9,47,337 और 101 यानी कि 100 स्टूडेंट को आपको डिफीट करना ही होगा। अगर हुबली देखें तो हुबली में देखिए 6,72,878 फॉर्म भर गए और 92 स्टूडेंट को आपको डिफीट करना रहेगा, ओके। और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जबलपुर जयपुर की बात करें तो 9,60,871 फॉर्म भरे, 183 के लगभग जो है 183 से ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म भरे हैं एक सीट के लिए बता रहा हूँ। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जो है यहाँ पर 4,93,096 फॉर्म भरे, लगभग आपको 99 स्टूडेंट को हराना होगा, देन आप उसमें कम आपका टीयर फर्स्ट निकलेगा। एनसीआर इलाहाबाद की बात करें तो 9,09,735 फॉर्म भरे, जिसमें 192 स्टूडेंट को आपको हराना होगा डेफिनेटली, अगर नहीं करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे।
इलाहाबाद तक देख लिया मैंने, वेस्टर्न देखिए वेस्टर्न रेलवे जो है इलाहाबाद जबलपुर है उसका बात करें तो 9,5 देखिए 5,30,492 फॉर्म जो हैं आपको देखिए फॉर्म भरे गए, एप्लीकेशन भरी गई और 131 स्टूडेंट ने एक सीट के लिए फॉर्म भरा, 130 नहीं बोलूँगा 132 ही बोलूँगा, 0.99 आ रहा है, तो लगभग 132 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा एक सीट के लिए। और NER जो है देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है गोरखपुर उसमें 6,20,324 फॉर्म भरेगा और 155 स्टूडेंट को आपको हराना है, 154 स्टूडेंट को आपको हराना होगा। तो फ्रेंड कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और बता दूं मैं फ्रेंड्स पढ़ने की जितनी भी वीडियोस हैं आप ऑनलाइन फ्री स्टडी पर देख सकते हैं, देन आप कुछ देर अभी बाद में एक वीडियो आएगी उसे जरूर देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।